तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या करना होता है, हम कुछ इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं कि वो सिंप्लीफाई हो जाए और कोई फार्मूला मेरे पास बन जाए, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक्स को पुट करा है टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर टेन थीटा पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो 1 + tan² थीटा बन जाएगा यहाँ पे। और 1 + tan² थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही हमने किया, और अभी हम अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने एक्स की जगह टेन थीटा को डाल दिया हुआ है। एक्स की जगह टेन थीटा हम पुट कर चुके हैं इस स्टेप में। यहाँ पे हमने एक्स की जगह टेन थीटा डाल दिया, तो 1 + tan² थीटा हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो रूट से कट के सीकेंट ही रह गया। सिमिलरली उससे नीचे हम स्टेप में चले तो सीकेंट को हमने कॉस की टर्म में लिख लिया 1/cos, और टैन को भी साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख लिया। फिर एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम लेंगे ऊपर तो ये इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में रह जाएगा 1 - cos θ / sin θ। अब 1 - cos θ को मैं लिख सकता हूँ 2 sin²θ/2, और साइन थीटा पे साइन 2θ का फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2θ का फॉर्मूला होता था 2 sin θ cos θ, यानी 2θ का हाफ थीटा रह जाता था। तो यहाँ पे थीटा का हाफ जो है वो θ/2 रह गया है। सिमिलरली यहाँ पे ये 2 sin²θ/2 हो चुका है। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस आप सब जानते हैं, दैट इज टैन। तो यहाँ पे टैन इनवर्स से इस स्टेप में आके आपका टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो गया, बच गया θ/2। अब एक्स को आपने डाला था टेन थीटा, तो थीटा होगा टेन इनवर्स एक्स, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, और ये सिंप्लीफाई हो गया है। सिमिलरली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमने एक्स को सीकेंट थीटा डाल लिया। क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन फार्मूला बन जाएगा। हमने एक्स को सीकेंट थीटा डाला तो यहाँ पर ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन बन गया। अब आप जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन बन गया टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, तो बच गया टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ 1/tan θ। तो 1/tan क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट होता है। अब कॉट को आप सब जानते हैं कि कॉट को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 - θ। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं टेन इनवर्स से किसी को कट कर सकूँ। तो कॉट को लिख लिया हमने यहाँ पर टेन 90 - θ, ताकि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए, बच गया π/2 - θ। तो ये बन गया π/2 - sec inverse x। अब यहाँ सीकेंट इनवर्स x क्यों बना, क्योंकि हमने आप जानते हैं x को डाला था सीकेंट थीटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले फाइनल में भी आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 1 - cos x को, जैसे हमने ऊपर 1 - cos θ को लिखा था, 1 - cos x को लिख दिया 2 sin²x/2, और 1 + cos x को 2 cos²x/2। फिर आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा टेन स्क्वायर, और स्क्वायर बाद में रूट से कैंसिल होके, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू बचेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर बना था पर स्क्वायर जो था वो रूट से कैंसिल हो गया। तो अब ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, ये एक्स बाय टू रह गया। इसमें हमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये NDA के एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर बेस्ड बहुत बार प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और फाइनल में भी ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, कि हमने सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड किया है। जब आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस ओवर कॉस जो है वो यहाँ पर ये 1 बना देगा, और साइन ओवर कॉस क्या बना देगा, टेन, क्योंकि आपने कॉस से ही न्यूमरेटर को डिवाइड किया, कॉस से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है। तो ऊपर बन गया 1 - tan x / 1 + tan x। अब 1 को मैं टेन π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन 45 1 होता है। तो उसी तरह से ऊपर मैंने इस वाले 1 को टेन π/4 लिख लिया, और नीचे 1 + tan π/4 × tan x लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन π/4 1 ही है, वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो इस तरह से अगर मैं प्लस वन का फॉर्मूला याद करूं, टेन ऑफ ए माइनस बी या टेन ऑफ एक्स माइनस वाई, वो होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 + tan x / tan y। तो यहाँ पे ये उसी तरह से हो गया, टेन ऑफ π/4 - x, ए π/4 ने ए का काम किया या एक्स का काम किया, और एक्स ने बी का काम या वाई का काम इस फॉर्मूले में किया है।
तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, टेन ए माइनस बी हमने पढ़ा है, तो टेन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया और ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, हमने एक्स को ए साइन थीटा पुट कर लिया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ए था तो हमने इसको भी ख़त्म करना है, तो हमने ए साइन थीटा डाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये कैसे होगा देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक्स को डाला है ए साइन थीटा, तो एक्स अपॉन ए जो है आपका, ये जो आपका एक्स अपॉन ए है, इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा जो है दोनों साइड साइन इनवर्स लेंगे तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, जो इसने ये डायरेक्टली सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है। तो क्योंकि एक्स अपॉन ए यहाँ से साइन थीटा के बराबर होगा, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे अब एक्स को हमने ए साइन थीटा डाला, तो जब एक्स को ए साइन थीटा डाला तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो बन गया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन लिया, अंदर बच गया वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। अब नीचे दोनों स्क्वेयर के हैं तो मैं इसका कंप्लीट स्क्वेयर लिख सकता हूँ इसको, और स्क्वेयर से फिर वो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, बच गया ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। यहाँ पे आपका ए से ए कट गया, साइन अपॉन कॉस बचता है विच इज़ टेन, और टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बच गया सिर्फ थीटा। अब थीटा हमने पढ़ा था कि थीटा यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये भी स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और पहले फाइनल एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी आप देखेंगे तो नेक्स्ट में हमने क्या किया है, नेक्स्ट में हमने पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ए क्यूब से डिवाइड करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हम एक्स अपॉन ए की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे उसको स्टार्टिंग में ही। तो हमने ए क्यूब से जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन के आ गई। आप सब कॉपी पे इसको साथ साथ करते चलें, ए क्यूब से आपने इसको पूरा डिवाइड करना है, ये बन जाएगा। फिर आपने एक्स अपॉन ए को डाल दिया टेन थीटा, ऐसा करने से फिर पहले की तरह हो गया, थीटा हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी एक्स अपॉन ए की फॉर्म में हम चल रहे थे। तो अब ये जब हमने एक्स अपॉन ए को टेन थीटा डाला तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर थीटा, जो कि हमारे पास फॉर्मूला था। अगर हम इसको याद करें तो ये फॉर्मूला बन गया टेन थ्री थीटा का। तो यहाँ पे टेन थ्री थीटा आ गया, इससे कट हो गया, बच गया थ्री थीटा। तो थ्री इंटू थीटा विल बी हेयर टेन इनवर्स एक्स बाय ए, जो कि यहाँ से हम देख चुके हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में याद रखना है कि इसका जो स्टार्टिंग स्टेप है, यहाँ पे आपको ए क्यूब से जो है वो इसको डिवाइड करना पड़ता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट, अब इससे अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिए और नेक्स्ट हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो अगली प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जो मैंने आपको लेक्चर्स के लिंक भेजे हैं उनको भी आप देखकर जितना ये चैप्टर है उसको सारा अपनी कॉपी में नोट कर लें।